जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा ने मंगलवार को पहाड़िया स्थित नवीन मंडी स्थल का निरीक्षण किया। इसी मंडी परिसर में सोमवार को हुए मतदान के बाद सभी ईवीएम मशीनों को रखा गया है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि 10 मार्च को सभी विधानसभाओं के लिए 16-16 टेबल पर काउंटिंग होगी और एक टेबल हर विधानसभा के आरओ के लिए होगा, जो चक्रवार परिणाम की जानकारी देगा। मंगलवार को जिलाधिकारी ने चल रहे स्क्रूटनी के कार्य का निरीक्षण किया और जल्द से जल्द उसे खत्म करने की बात भी कही। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, सारे स्ट्रांग रूम सीपीएमएफ की सुरक्षा में रहेंगे। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं कि अंदर सारे स्ट्रॉन्ग रूम सीपीएमएफ की सुरक्षा में रहेंगे, उसके लिए सीआरपीएफ की हमको एक प्लाटून अलॉट हुई है और सीआरपीएफ की प्लाटून ने जैसे ही स्ट्रॉन्ग रूम सील होते गए वैसे वैसे अपनी अभिरक्षा में सारे स्ट्रॉन्ग रूम ले लिए हैं। आज ये जो कार्य यहाँ पे चल रहा है ये अंतिम रूप से स्क्रूटनी का काम चल रहा है, जिसमें राजनीतिक दलों के और प्रत्याशियों के ऑथेंटिक जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके साथ आरओ और ऑब्जर्वर को स्क्रूटनी करनी होती है कि किसी भी बूथ में कोई रिपोलिंग की आवश्यकता है कि नहीं है। ये सारा प्रोसेस लगभग 1-1.5 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सारा एरिया खाली कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल और केवल इसके अंदर सीपीएमएफ ही रहेगी। जो स्ट्रॉन्ग रूम सील हैं वो ऑलरेडी लॉक्ड हैं और उनको टच नहीं किया जाएगा। केवल बरामदे में जो कार्रवाई चल रही है ये भी इसका समापन हो जाएगा। इसके बाद काउंटिंग की व्यवस्था इसी कैंपस के बाद हॉल्स में रखी गई है, तो उनकी भी सारी की सारी तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। नगर निगम के माध्यम से मोबाइल टॉयलेट हो, शौचालय हो, वो या बैरिकेडिंग की आवश्यकता, वो सारी चीज़ें पूरी की जा रही हैं ताकि जो हमारे कल काउंटिंग एजेंट आएँ या काउंटिंग पार्टीज़ के लोग आएँ उनको दिक्कत ना हो। कल काउंटिंग की लास्ट ट्रेनिंग होगी और परसों काउंटिंग होनी है, उसकी भी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की जा रही है। सुरक्षा के लिए हर स्ट्रॉन्ग रूम पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। उस सीसीटीवी की फीड सारी वहाँ पर कंट्रोल रूम में मिल रही है जहाँ पर राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, तो वो सारी के सारे स्ट्रॉन्ग रूम के लॉक वगैरह देख भी सकते हैं। कल जब स्ट्रॉन्ग रूम सील हुआ था उस समय भी सारे फ्रंट के जो दरवाजे हैं, पीछे जो दीवार चुन के सारे दरवाजे खिड़कियां पैक की गई हैं, वो सब का निरीक्षण करा दिया गया था। और अब भी काउंटिंग जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं कैंडिडेट्स के, उनको सीपीएमएफ बीच बीच में जाकर निरीक्षण कराती रहेगी ताकि वो अंदर भी जाके निरीक्षण कर सकें, सीसीटीवी के माध्यम से कर सकें। और वैसे तो सारा कैंपस एक ही जगह से दिख ही जाता है, ये कैंपस एक ही जगह से दिख जाने वाला ओपन ही है, तो यहाँ से भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कुल मिला के जो भी इलेक्शन के निर्देश हैं वो सारे पालन किए जा रहे हैं और किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है सुरक्षा के बारे में तो उसको भी प्रॉपरली सेटल किया जा रहा है। काउंटिंग को लेकर सर क्या तैयारियाँ? काउंटिंग की तैयारियाँ हम लोगों के चार बड़े हाल हैं, उसी में आधे आधे हाल को डिवाइड करके चार बड़े गोदाम में 8 विधानसभाओं की काउंटिंग कराई जाएगी। उनकी बैरिकेडिंग वगैरह सारी पूरी करा दी गई है, अंदर की व्यवस्था पूरी करा दी गई है। ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेंगी, इसके अलावा पोस्टल बैलेट की एक टेबल और जो फौजी भाइयों के जो पोस्टल बैलेट रिटर्न होकर आते हैं ईटीपीवीएस उसकी एक टेबल, तो कुल मिला के 16 टेबल पे काउंटिंग होगी। एक टेबल होती है आरओ की जिसपे काउंटिंग के रिजल्ट दिए जाते हैं चक्रवार, वो 17वीं टेबल होगी। तो प्रत्येक जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनको 17-17 काउंटिंग एजेंट बनाने हैं, वो बनाने का पास जारी करने का काम शुरू हो गया है। उनके लिए जो बेसिक व्यवस्थाएं होती हैं टॉयलेट पानी आदि की वो सब कराई जा रही हैं। अनाउंसमेंट के लिए माइक वगैरह की व्यवस्था, मीडिया के लिए विशेष व्यवस्था है वहाँ। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।